पूर्णवाद सूत्र में भगवान बुद्ध के पास पूर्णबंधी जी आने के बाद पूर्णबंधी जी बताया भगवान बुद्ध जी हमको संक्षिप्त में एक उपदेश दीजिए। भगवान बुद्ध बताए तो हम बता देंगे, ध्यान से सुनिए और योनि मनसिकार करके समझने के लिए कोशिश करें। पुण्य आग से जानने वाले रूप है, वो कैसा रूप है? मन खींच लेता है, सुंदर लगता है, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करवाता है, बंधन हो जाता है, वो ऐसा रूप है। कैसा रूप है? मन खींच लेता है, सुंदर है, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, पसंद हो जाता है, बंधन हो जाता है, वैसा रूप है। तो अगर कोई वो भिक्षु क्या करता है, वो खुशी मन से उसी रूप को स्वीकार करता है, उसी रूप का गुण कहता है, उस पे घुस जाके रहता है। उसी प्रकार वो खुशी मन से स्वीकार करने से, उसका गुण बोलने से, उसमें मन डूबने से उसको तृष्णा ही उत्पन्न हो जाता है। पुण्य ये तृष्णा उत्पन्न होने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है, वैसा मैं कहता हूँ। वाह, बहुत सुंदर वर्ड निकल गया। पठित संपाद यह तन्हा तृष्णा पच उपादन उपादन पच भव भव पच जाति जाति पच जरा मरण शोक परिधि दुख दो गुना से समझ गया। उसी प्रकार पठित संपाद में डाल के देख सकते हैं कैसे आग से देखने वाले सुंदर रूप है, वो कैसा रूप है? मन खींच लेता है, सुंदर है, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करवाता है, मन बंधन होता है, मोहित होता है उस पे, वैसा रूप है। ठीक है, ऐसा रूप ये क्या करता है? ऐसा रूप को खुशी मन से स्वीकार करता है, दूसरा उसी रूप का गुण कहता है, तीसरा उस पे मन बैठ जाता है। सुंदर रूप देखिए, अगर कुछ सोचे सुंदर कुछ रूप है तो ये सुंदर है, मोबाइल सोची सुंदर रूप है ये वाला, ये इसके बाद ये उसके है, उसी प्रकार की कैसे मन खींच लेता है, सुंदर है, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करवाता है, बंधन मोहित हो जाता है इस पे, ये खुशी मन से स्वीकार करता है इसी रूप को। वाह, ऐसे करे स्वीकार किया, उसका गुण कहता है ये कौन सा कंपनी का है, अच्छे कंपनी का है, कितना सुंदर है, ऐसा करे कि इसका गुण कहता है कितना अच्छा है, एकदम नम्र हो गया है, इसका फैसिलिटीज अच्छा दिया है, ऐसा करके इसी रूप का गुण कहता है। इसके गुण कहने से क्या होता है, कहने से उस पे मन बैठ जाता है। जैसे कि हम लोग भगवान बुद्ध की गुण बोलने से भगवान बुद्ध ऐसा सुंदर है, ऐसा आके हैं, हम लोग का मन बैठ जाता है ना, उसमें घुस जाता है ना, वैसा रूप हम लोग भगवान बुद्ध को खुशी मन से स्वीकार करते हैं। मूर्ति इसको उसी मूर्ति का गुण कहते, ऐसा ऐसा गुण है, तब हम लोग का मन उसमें बैठ जाता है ना, वैसा ही है, हम लोग स्वीकार करता है ये चीज रूप, इसका तो उसी रूप का गुण बोलता है, गुण बोलने के कारण आराम से मन उसमें बैठ जाता है। समझ में आ गया है सबको? समझ में आ गया तो आप लोग बता दीजिए। खान से सुनने वाले, खान से
जानने वाले शब्द हैं। उस शब्द के बारे में पुनः बताइए। वो शब्द प्रिय है, सुंदर है, मन को खींचने वाला है, मन बंधन करने वाला, आसक्त करने वाला, मतलब कि वो सुनने के बाद उस पर तृष्णा उत्पन्न होता है। मन खान से जानने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द है? मन खींच लेता है, सुंदर है, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करवाता है, मन बंधन हो जाता है, मोहित हो जाता है, या तो फिर आसक्त होता है, वो ऐसा शब्द है। तो वो आदमी क्या करता है उसी शब्द को? गुरु बोलता है, खुशी मन से स्वीकार करता है। ठीक है, खुशी मन से स्वीकार करता है। दूसरा, खुशी मन से उसी शब्द को स्वीकार करने के कारण उसी शब्द के बारे में गुण बोलता है। खुशी मन से उसी शब्द को स्वीकार करके उसी शब्द के बारे में गुण बोलने के कारण मन उसी शब्द में बैठ जाता है। ऐसा खुशी मन से स्वीकार करने से तथा उसका गुण बोलने से तथा उस पे मन बैठने से, बैठ जाने से, उस पे बैठ जाने से, उस पे मन घुस के रहने से उसको सिर्फ शब्द के कारण उत्पन्न होता है तृष्णा। तृष्णा उत्पन्न होने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है, ऐसा मैं कहता हूँ, भगवान बुद्ध ने बताया। समझ में आ गया? सुंदर आवाज, खूबसूरत आवाज है, हम लोग इसी आवाज को सुनकर वाह, उस सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्ट करते हैं ना, खुशी मन से एक्सेप्ट करते हैं ना, खुशी मन से एक्सेप्ट करके इसका तो उसका गुण कहता है, कितना सुंदर आवाज, बहुत अच्छा आवाज। ऐसा कोई भी चीज का गुण कहेगा तो क्या होता है? मन बैठ जाता है, बैठ जाता है, पकड़ लेता है, उसे घुस जाता है मन। ऐसा खुशी मन से स्वीकार करने से और उसका गुण बोलने से मन बैठ जाने से, घुस जाने से, तीन चीज से उत्पन्न होता है तृष्णा। वो शब्द तृष्णा है, ये भगवान बुद्ध ने बताया। हम ये कहता हूँ कि तृष्णा उत्पन्न होने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? हाँ। तो नाक से जाने वाले गंध है, विष्णु बताइए। एक मिनट, जो गंध है, जो प्रिय लगता, जो प्रिय लगता, सुनने में पसंद लगता, उसको खुशी मन से एक्सेप्ट करता। सबसे पहले उसको देखता है। कैसा गंध है? मन खींच लेता है, सुंदर है, उसके बारे में बातचीत करता, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करो, मन बंधन हो जाता है, वैसा गंध है। तो क्या होता है? सबसे पहले वो गंध को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद एक्सेप्ट करने गुण बोलता है उसका, खुशी मन से उसी गंध को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसका गुण बोलता है, गुण बातचीत करता है, बोलता है उसको, उसमें मन उसके बाद उसका वो गंध पे उसका मन बैठ जाता है, उसके बाद तृष्णा उत्पन्न होता है, बैठ जाने के बाद उस पे तृष्णा उत्पन्न हो जाता है, मन बैठ जाता है। ठीक है, फिर बोलना चाहिए, उसी प्रकार खुशी मन से स्वीकार करने से उसी गंध के बारे में गुण बोलने से तथा मन उस पे घुस जाने से ही
तृष्णा उत्पन्न होता है। मैं ये कहता हूँ कि तृष्णा उत्पन्न होने के कारण ही दुख उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? अभी रस के बारे में बताइए आर्य। रस से पर जीभ से रस पे मन खींच लेता। जीभ से जानने वाले रस है वो कैसा रस है? अच्छा है, मधुर है। मन खींच लेता, मन को पसंद करो, मन को पसंद करो आता। मन को पसंद करवाता है, मन बंधन हो जाता है। मन को आसक्त करवाता है, उसके बाद जब गर्मी से ठंडा में है तो ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं। नाक से जानने वाले गंध हैं, कैसा गंध है? मन खींच लेता है, मन पसंद कर रस। जीभ से जानने वाले रस है वो रस कैसा है? खींच लेता, मन खींच लेता है, सुंदर है, सुंदर मतलब स्वाद है, पसंद होता, मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है उसी रस पे, पसंद करवाता है मन, तथा मन उस पे बंधन हो जाता है। तो ऐसा रस को क्या करता है? खुशी मन से स्वीकार करता है और उसका गुण बोलता है, रस का गुण कहता है, फिर उसी में बंधन कहने से उसी रस पे मन बैठ जाता है। उसी प्रकार खुशी मन से रस को स्वीकार करने से इच्छा होता है, उसका गुण कहने से तथा उस पे मन बैठ जाने से तृष्णा उत्पन्न होता है, उसी तृष्णा से ही दुख उत्पन्न होता है। जी बोलते इसी इसके बाद स्पर्श, स्पर्श के बारे में बताइए जी। स्पर्श कैसा शरीर से मिलने वाला, ये स्पर्श कैसा है? स्पर्श वही हम पूछ रहे हैं, मुलायम है ये स्पर्श। आज उसी और आज मन खींच लेता है, ये स्पर्श मन लग जाता है, ये स्पर्श पर मन बैठ जाता है। मन को पसंद इसको लेशन क्यों करता है? अब प्रैक्टिकली आई ना, नॉर्मली जो है जो बता दो अच्छा, समझ में आता है ये सब बताइए ना। हम स्कूल स्टडी नहीं बताते, हम बताएं आपको। मन खींच लेता है, शरीर से पसंद होता है, शरीर से लेने वाली स्पर्श है, शरीर से जानने वाली स्पर्श, शरीर से जानने वाली स्पर्श है, उसी स्पर्श कैसा है मन खींच लेता है, मन सुंदर है, मन लग जाता है, अच्छा स्वभाव, प्रिय स्वभाव है और मन पसंद करवाता है, और मन बंधन हो जाते है उसी स्पर्श पे। वैसा स्पर्श आने पर वो क्या करता है? उसी स्पर्श को खुशी मन से स्वीकार करता है और उसी स्पर्श को गुण बोलता, स्पर्श के बारे में गुण बोलता है। इसके बाद उसी स्पर्श पे मन घुस जाता है, बैठ जाता है। उसी प्रकार खुशी मन से स्पर्श को स्वीकार करने से इच्छा उत्पन्न होता है और उसका गुण बोलने से तथा स्पर्श पे मन बैठ जाने से ही तृष्णा उत्पन्न होता है, उसी तृष्णा से ही दुख उत्पन्न होता है। अभी मन के बारे में कौन बताएगा? मन से जानने वाले विचार है, कैसा विचार है वो? मन से जानने वाले
विचार अच्छा मधुर विचार है, विचार को सोचता है कैसा विचार है, विचार के बारे में फिर मनन करता है उसको। मन का विचार खींचने वाला है। विचार है वो कैसा विचार है, मन खींच लेता है उसी विचार को, मन लग जाता है, इसके बाद मन लग जाता है, खूबसूरत विचार है, मन मनन करता है, उस पे बैठ जाता है, नहीं मन पसंद करवाता है उसी विचार पे, तथा मन उसमें बांधन हो जाता है। वैसा विचार मन में आने के बाद सबसे पहले वैसा विचार आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए ना, बार बार कोई कोई विचार आता है ना, सुंदर विचार, राग उत्पन्न होने वाले कोई कोई विचार है, फोटो या कुछ भी आने के बाद मन उसको कैच करता है जल्दी, कैसा विचार खूबसूरत है, मन मन मोहित करता है, मन बहन पसंद करवाता है, सुंदर है, और मन उस पे बैठ जाता है। वैसा विचार उत्पन्न होने के बाद खुशी मन से उस विचार को स्वीकार करता है, इसके बाद उसी विचार के बारे में गुण बोलता है, इसके बाद उसी विचार को मन बैठ जाता है। उसी प्रकार खुशी मन से उसी विचार को स्वीकार करने से, खुशी मन से उसका गुण कहने से, खुशी मन से उस इसका उस पे मन बैठ जाने से तृष्णा उत्पन्न होता है, उसी तृष्णा से ही दुख उत्पन्न होता है। इसका उल्टा है दूसरा, बताए भगवान बुद्ध बताए पुण्य, आंख से जानने वाले मन खींचने वाले सुंदर और मन पसंद करने वाले प्रिय स्वभाव वाले बंधन उत्पन्न होने वाले रूप है, आंख से देखता है, लेकिन वो क्या करता है उसी रूप को खुशी मन से स्वीकार नहीं करता है, उसका गुण भी नहीं कहता है, तथा उस पे मन नहीं बैठ जाता है। उसी प्रकार उसी रूप को खुशी मन से स्वीकार नहीं करने से, खुशी मन से एक्सेप्ट नहीं करने से, उसका उसी रूप का गुण नहीं कहने से, तथा उस पे मन नहीं बैठने से ही तृष्णा निरुद्ध होता है, खत्म होता है तृष्णा। बता तृष्णा का निरुद्ध होने से दुख निरुद्ध हो जाता है, तृष्णा खत्म होने से दुख खत्म होता है। अभी बताए कौन कौन काम के बारे में कह सकते हैं, कौन बोले नाक के बारे में, जीव के बारे में, शरीर के बारे में, कान का, कान से सुनाई देता है आवाज तो मन खींच, कान से सुनने वाले आवाज है, है वो खींचने वाला आवाज है, कान से जानने वाली आवाज है, वो आवाज कैसा है, मन खींच लेता है, मन पसंद होता है, मन मन को प्रिय होता है, मन उसमें बंधा जाता है, मन प्रिय होता है, मन पसंद करवाता है, लेकिन वो उस पे वो उसको स्वीकार नहीं करता, उसका गुण को नहीं बोलता, उसके बारे में बंधन नहीं हो जाता है। कान से सुनने वाले आवाज है, वो आवाज के आवाज कैसा है, मन खींच लेता है, और सुंदर है, और मन मन लग जाता है, प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करवाता है, मन बंधन हो जाता है,
वैसा शब्द है, लेकिन भंते जी उसी शब्द को खुशी मन से स्वीकार नहीं करता है, उसका गुण नहीं कहता है तथा उस पे मन बैठ जाता नहीं है। उसी प्रकार खुशी मन से स्वीकार नहीं करने से और उसका गुण शब्द का गुण नहीं कहने से और उसी शब्द में मन नहीं बैठने से तृष्णा निरुद्ध हो जाता है। तृष्णा निरुद्ध होने से दुख निरुद्ध हो जाता है। नाक के बारे में, नाक से जानने वाले आवाज है, नाक से जानने वाले गंध है, वो गंध मन को खींच लेता, मन खींच लेता है, सुंदर है और मन लग जाता है और प्रिय स्वभाव है, मन पसंद करवाता है उसी गंध, उसी गंध से मन बंध और मन उसमें बंधन हो जाता है। लेकिन वैसा गंध है, लेकिन भंते जी उसी गंध को खुशी मन से स्वीकार नहीं करता है, उसका गुण नहीं बोलता है, उस पे मन नहीं बैठ जाता है। उसी प्रकार खुशी मन से वो स्वीकार नहीं करने से, उसका गुण नहीं कहने से, उसी गंध पे मन नहीं बैठने से तृष्णा निरुद्ध होता है। तृष्णा निरुद्ध होने के कारण दुख निरुद्ध हो जाता है। अभी रस के बारे में बताए, रस है जो सुंदर लगता, मन को प्रिय लगता, प्रिय स्वभाव का मन उसमें लग जाता, मन उसमें लग जाता, बंधन हो जाता। लेकिन उसी रस को भंते जी पहचान कर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते, खुशी मन से स्वीकार नहीं करते हैं, खुशी मन से स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार नहीं करने के कारण वो भंते जी, तीन चीज बताए ना, खुशी मन स्वीकार नहीं करता है, गुण नहीं बोलता है, उसमें मन बैठ नहीं जाता, बैठता है नहीं, बैठता मन नहीं बैठने के कारण, खुशी मन से स्वीकार नहीं करने के कारण, नहीं करने के कारण, गुण नहीं बोलने के कारण, मन नहीं, खुशी मन से स्वीकार नहीं करने के कारण, उनका गुण नहीं बोलने के कारण, मन में नहीं बैठाते हैं, अपना मन में नहीं बैठने के कारण, नहीं पकड़ने के कारण, नहीं बैठने के कारण, उसी नहीं बैठने के कारण तृष्णा नहीं उत्पन्न होता, निरुद्ध हो जाता, उसी प्रकार दुख कृष्णा निरुद्ध होने के कारण निरुद्ध होता है। इस स्पर्श के बारे में कौन बताएंगे? हम बताएंगे। स्पर्श शांति से बता के जाइए। स्पर्श मन लग जाता है सबसे पहले, सबसे पहले शरीर से जानने वाले स्पर्श है, वो स्पर्श कैसा है, वो स्पर्श सब उसके उसमें मन आसक्त करता है, मन लग जाता है उसपे, मन प्रसन्न करता है और मन उसको पकड़ लेता है, उसमें बंधन हो जाता है। उसी प्रकार वो कोई भंते जी हो, कोई उसी प्रकार नहीं, वैसा स्पर्श आने पर, वैसा स्पर्श आने पर, वैसा स्पर्श आने पर वो भंते खुशी से उसको स्वीकार नहीं करता, उसको उसके बारे में बात नहीं करता, गुण नहीं बोलता तथा उनके उसके बारे में उनके बारे में मन नहीं बैठाता, उस पर मन नहीं बताता। उसी ये तीन के कारण मन उसी प्रकार उसी मन से स्वीकार नहीं करने से, नहीं करने से बात तो उसके बारे में गुण धर्म नहीं बोलने से, गुण नहीं बोलने से बर्दाश्त करके बोली ना,
उसके बारे में गुण नहीं बोलने से और उस पर मन नहीं बैठने से उसी के कारण तीन के कारण तृष्णा नहीं उत्पन्न होता, तृष्णा निरुद्ध निरुद्ध होता, उस निरुद्ध होने से दुख निरुद्ध होता है, दुख निरुद्ध हो जाता है। मन के बारे में बोलिए, मन से जानने वाले विचार है वो कैसा विचार है, कैसा विचार मन को विचार घिसते नहीं है। बताया पुण्य मैंने मैंने अभी संक्षेप से बताया है ये उपदेश, ये उपदेश लेकर के आप एकांत वास रह करके ये मनन करके समझने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन सा जगह पे जाएंगे रहने के लिए? सुनापरंत। तथागत हम सुनापरंत नाम का एक जनपद है, भगवान बुद्ध ये संक्षिप्त से बताए हुए उपदेश को लेकर के हम वहां रहने के लिए जाएंगे। पुण्य सुनापरंत का लोग, सुनापरंत के लोग बहुत प्रचंड है, प्रचंड मतलब बदमाश है। पुण्य उस सुनापरंत का सुनापरंत के रहने वाले लोग बहुत कठोर है, तो पुण्य वो सुनापरंत के लोग आपको गाली देंगे, बदनाम करेंगे, अपवाद करेंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे हो गया तो भगवान बुद्ध जी ऐसे लोग मुझे गाली देंगे तो, डांटेंगे तो, बदमाश करेंगे तो, हम इसी प्रकार सोचेंगे जिस कारण से ये लोग मुझे हाथ पैर से नहीं मारेगा तो ये सुनापरंत के रहने वाले लोग अच्छा है, क्यों हाथ पैर से मुझे नहीं मारा सिर्फ गाली दिया है, कैसा सहनशीलता है ना। सचमुच में ये सुनापरंत के लोग बहुत अच्छा है, मुझे उसी प्रकार समझ में आता है तथागत जी, उसी प्रकार मैं सोचता हूँ। भगवान बताया पुण्य सुनापरंत के लोग कोई भी भरोसा नहीं है, शायद वे लोग आपको हाथ पैर से भी मार सकता है, तो आप क्या ऐसे हो गया तो आप क्या करेंगे? भगवान बुद्ध जी तो सुनापरंत के लोग मुझे हाथ पैर से मार देंगे तो हम इसी प्रकार मनन करेंगे जिस प्रकार ये लोग मुझे पत्थर से नहीं मारेंगे ना, सचमुच में ये लोग अच्छे हैं, सुनापरंत के लोग बहुत अच्छा है, क्यों हाथ पैर से तो मार दे लेकिन पत्थर ईटा पत्थर से मुझे नहीं मारा, उसी प्रकार हम सोचेंगे। लेकिन पुण्य सुनापरंत के लोग डेंजरस, पत्थर ईटा से भी मार सकता है, तो आप क्या कैसे सोचेंगे? ऐसा हो गया तो भगवान बुद्ध जी सुनापरंत के लोग मुझे पत्थर ईटा से मार देंगे तो हम इसी प्रकार सोचेंगे इन लोग डांटा इत्यादि से मुझे नहीं मारते हैं, इसीलिए सुनापरंत के लोग अच्छा है, क्यों मुझे हाथ पैर से मार दिया, पत्थर ईटा से मार दिया लेकिन डांटा वगैरह से नहीं मारता है, इसलिए सुनापरंत के लोग सचमुच में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। भगवान बुद्ध बताए पुण्य लेकिन सुनापरंत के लोग तो डेंजरस ही है, डांटा वगैरह से भी मार सकता है, तो आप क्या सोच सकते हैं उस समय? भगवान बुद्ध जी सुनापरंत के लोग मुझे डांटा इत्यादि से अगर मार देंगे तो हम ऐसे सोचेंगे जिस प्रकार ये लोग मुझे औजार से नहीं मारेगा तो हम सोचेंगे। भगवान बुद्ध जी इन लोग मुझे डांटा से मारा लेकिन
औजार से तो नहीं मारा, इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, सुना परंथे के लोग। भगवान बुद्ध बताए पुण्य कोई भरोसा नहीं है, औजार से भी मार सकता है, तो क्या विचार आपका मन में आएगा? भगवान बुद्ध जी, उन लोग अगर औजार से भी मुझे मार देंगे तो हम इसी प्रकार सोचेंगे जिस प्रकार ये लोग बहुत बहुत फजाया हुआ औजार से, तेज औजार से मुझे मार कर मेरा जीवन का हत्या नहीं करेगा तो सचमुच में ये सुना परांत के लोग बहुत अच्छा है। क्यों? औजार से भी मार दिया लेकिन फजाया वाला बहुत महीन औजार से मार के मेरा जीवन का हत्या तो नहीं किया, इसलिए सुना परांत के लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा मैं सोचता हूँ सुगत जी। तो पुण्य सुना परांत के लोग तो डेंजरस ही है, शायद आपको ऐसा महीन औजार से मार के जान की हत्या कर सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? तथागत भगवान बुद्ध जी, अगर सुना परांत के लोग मुझे ऐसा औजार से मार कर मेरा जान हत्या करेंगे तो हम इसी प्रकार सोचेंगे। भगवान बुद्ध की श्रावक है, शरीर के बारे में, जीवन के बारे में थक गया, शर्म हो गया, एकदम घृणा हो गया। भगवान बुद्ध के श्रावक लोग हैं, खुदकुशी करने के लिए औजार खोज रहते हैं कोई कोई लोग। क्यों? जीवन के बारे में, शरीर के बारे में पूरा घृणा हो गया है, तो मुझे ऐसा औजार बिना खोज कर मारने का मौका, एक मौका मेरे पास आ गया है, औजार खोज की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आ गया। भगवान बुद्ध जी, हम वैसा सोचेंगे अगर ऐसा मौका आ गया तो। पता है साधु साधु पुण्यवान पुण्य, आपका ये दमन से शांति से रहने के कारण पुण्यवान पुण्य सुना परांत जनपद में रह सकता है, इसी प्रकार सहनशीलता होगा तो पुण्यवान पुण्य। अब आप जिस काम के लिए जाना चाहेंगे तब समय आगे जा सकता है, तो पुण्यवान तेज भगवान बुद्ध की उपदेश को खुशी मन से स्वीकार करके अनुमोदन हो के उठकर भगवान बुद्ध को नमन कर प्रदक्षिणा करके अपना कुटिया साफ सुथरा करके चीवर लेके सुना परांत जनपद में आ गया। अभी पुण्य सुना पुण्य बनते ही कहा रहते हैं, सुना परांत जनपद में रहते हैं। तो ये पुण्य बांते जी एक साल में 500 उपासक लोगों को चार आर्य सत्य को अवबोध करवाया, यानी कि सोतापन करवाया, एक साल में 500 लोगों को एक साल में। उसी एक साल में 500 उपासिका लोगों को चार आर सत्य अवबोध करवाया अकेले बनते ही। उसी एक साल के अंदर ही त्रिविद्या भी प्राप्त किया है। इसमें दारा नहीं नहीं दारा प्राप्त किए बाद में, और समय बीतने के बाद पूर्ण बनते ही परिनिर्वाण हो गया। ऐसे होने के बाद बहुत सारे बनते लोग भगवान बुद्ध जहाँ थे वहाँ आ गए, आकर के भगवान बुद्ध को आदर से नमन करके बैठ गए। बैठकर बनते लोग भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध जी आपसे संक्षिप्त में उपदेश लिए हुए एक बनते जी था ना पुण्य नाम से, वो
उनका मृत्यु हो गया, उनका गति क्या है, यानी कि मरने के बाद कहाँ गए हैं, कहाँ गए थे। बताया भिक्षु, वो पुण्य बहुत अच्छे से ज्ञान से मनन करने वाला है, धार्मिक है, धर्म से प्रश्न बना के हमको थकाते नहीं है। भिक्षु वो पुण्य परिनिर्वाण हो गया, भगवान को ये उपदेश दे दिया, पांतर कुशीमान स्वीकार किया। वो बात याद रखिए जो हम बताए ना चवेंद्र के बारे में, उसी ने वो चवेंद्र के बारे में शॉर्ट करके उसको मनन करते मनन करते मनन करते मनन करते पुण्य बात ग्यारहत को प्राप्त की। इसीलिए आप लोगों भी मनन करके सभी को समर्थन का भाग्य साध साध साध।